चिराग मांझी का तिलिस्म तोड़ पाएंगे नीतीश? जदयू ने रच दिया है चुनावी चक्रव्यूह। बीजेपी के अरमानों पर भी संकट। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में इंडिया और एनडीए अपनी रणनीतियों को अंजाम देने में जुट गई है। वहीं एक तरफ जहां इंडिया का अपना कुनबा बढ़ाने पर जोर है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं, जिसके बाद ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मांझी और चिराग की यह जोड़ी इंडिया पर भारी पड़ सकती है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के पास दलितों और पिछड़ों का बड़ा समर्थन है, जो बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार अब कुछ ऐसी रणनीति बनाई है जिससे बीजेपी की उम्मीदों को जोर का झटका लग सकता है। आइए इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की नींद हराम करने के लिए क्या रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में दलित और पिछड़ों के वोटों की काफी अहमियत है और इस समुदाय के वोट को सभी हासिल करना चाहते हैं। वैसे भी राज्य के हर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 40 से 50 हजार दलित मतदाता हैं, जो जीत हार में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। देखें तो राज्य की कुल आबादी में लगभग 16% दलित हैं। वहीं ऐसा कहा जाता है कि पासवान जाति पर चिराग की मजबूत पकड़ है, जो कि लगभग 6% है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी खुद को मुसहर जाति का एक छत्र नेता बताते हैं, क्योंकि इस वक्त ये दोनों ही नेता एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार एनडीए के इस वोट बैंक में सेंध लगाने के मिशन में जुट गए हैं, इसी कड़ी में जदयू 5 नवंबर को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत जदयू के सभी प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे और वे भीम संसद को संबोधित करेंगे। जदयू का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा दलित एवं पिछड़े वर्गों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए दलितों को अधिकार और उन्हें हक दिलाने के लिए जदयू का यह आयोजन हो रहा है। माना जा रहा है कि किसी बहाने जदयू दलितों को अपने पाले में लाकर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को झटका देंगे। जानकारों की माने तो अगर जदयू बिहार में पासवान और मुसहर समुदाय के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल हो जाती है, तो यह एनडीए के लिए भी बड़ा झटका होगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर बिहार की राजनीति को दलित कैसे प्रभावित करते हैं। एनडीए और इंडिया दोनों ही इनको लेकर गंभीर है। तो आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर बिहार में अब कोई दलित समुदाय नहीं रह गया है, सब महादलित के रूप में दर्ज हो चुके हैं। हालांकि सारे दलित वोट को मिला दे तो यह समुदाय यादव वोट बैंक से कम ताकत नहीं रखता है। देखें तो बिहार में ऐसे 7 जिले हैं जहां महादलितों की आबादी 10% से ज्यादा है। ये जिले हैं गया, नवादा, जहानाबाद, कैमूर, औरंगाबाद, मधेपुरा और जमुई। यानी कि दलित वोट कई सीटों पर अच्छी ताकत रखते हैं। वैसे दलित कोटे के वोट का 70% हिस्सा रविदास, मुसहर और पासवान जाति का है, जिस समुदाय के बड़े नेता के रूप में चिराग पासवान, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी जाने जाते हैं। सूबे में दलित वोट बैंक सत्ता की दिशा और दशा दोनों तय करने की ताकत रखता है। अब नीतीश कुमार की यह कोशिश है कि दलित खुद के साथ साथ बीजेपी, चिराग और मांझी की भी दशा बदले। इसी कड़ी में भीम संसद पार्टी के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। हालांकि जिस तरह से दलितों का समर्थन पहले रामविलास पासवान को मिलता रहा है, वहीं अब चिराग पासवान जिस तरह से इनके नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, ऐसे में भीम संसद क्या चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का तिलिस्म तोड़ पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे यहाँ यह भी बता दें कि लोजपा 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, लेकिन फिलहाल चाचा भतीजा दोनों ही बीजेपी के साथ है। अगर किसी कारण इनमें से कोई भी एनडीए से अलग होता है तो इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ऐसे में बिहार में दलितों की यह राजनीति क्या गुल खिलाती है, इस पर भी सभी की नजरें रहेगी।